हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। राखी आने वाली है और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ मिठाइयों की वीडियो शेयर करती हूँ ताकि आप इजीली अपने घर पर बना सकें, बाज़ार से आपको मिठाई लाने की ज़रूरत ना पड़े। आज हम बना रहे हैं कलाकंद। ये घर के सामान से बन जाएगा और बहुत इंस्टेंट बनेगा, झटपट बनेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी स्टेप मिस नहीं करना। मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना। तो चलिए बनाते हैं कलाकंद। गाइस, हेलो गाइस, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है, गैस नहीं जलाई है, गैस अभी नहीं जलानी है। और हम लेंगे ये 200 ग्राम पनीर, इसे हम ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमें ग्रेट करना है, इसको क्रम्बल नहीं करना है, ग्रेट करना है। ये देखिए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखना। ये मिठाई बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाएगी। आप चाहें तो इस पनीर को घर पर भी बना सकते हैं दूध को फाड़ के। देखिए इस तरह से ग्रेट कर लिया हमने। ये देखिए जो मीडियम, इसमें तीन वो होते हैं, एक बारीक वाला, एक मोटे वाला और ये मीडियम वाला। हमने मीडियम साइड से इसे ग्रेट किया है और कोई अगर मोटा पीस रह गया है तो उसे हाथ से तोड़ लें। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। ये देखिए ये दूध मैंने मलाई के साथ ही ले ली है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे 1.5 कप मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 1 किलो दूध लें और उसको आधे से थोड़ा कम रहने तक उबाल के रबड़ी तैयार कर लें और फिर उसमें पनीर ऐड करें तो आपको बाहर से मिल्क पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर उसमें थोड़ा टाइम लगता है तो मैं आपको जल्दी से बनाने की तरीका बता रही हूँ, तो इसलिए मैं मिल्क पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। हमने गैस अभी तक नहीं जलाई है, अभी तक हमें गैस नहीं जलाना है। और 1/2 कप मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। आप अगर ज़्यादा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इसे हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए गैस नहीं जल रही है, इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है हमें। एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस को जलाएँगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को फॉलो करें ताकि मैं आगे आपके लिए जो भी वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं आपके लिए एकदम डिफरेंट तरह की चॉकलेट की वीडियो लेके आऊँगी जो बनेगी पार्ले जी बिस्किट से। बहुत कम पैसों में बनकर तैयार होगी और बहुत टेस्टी बनती है, तो इसलिए फॉलो ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें और सीख सकें कि आप कम पैसों में चॉकलेट को कैसे बना सकते हैं। चॉकलेट मिठाई बहुत टेस्टी बनती है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करें। इसको हम उबालेंगे अच्छे से, गाढ़ा होने तक हम इसे उबालते रहेंगे और हिलाते रहेंगे, हमें इसे छोड़ना नहीं है इस तरह से। ये मैंने थोड़े से दूध में केसर को भिगो के रखा था, उसको हम इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। इसे कलर और खुशबू दोनों अच्छी आती है तो इसीलिए मैंने डाला है, बाकी आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आप जो बाज़ार से कलाकंद लेते हैं वो वाइट कलर का होता है, ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट में बनेगा। इसमें हमने डाला है इलायची पाउडर। इलायची को हमने चीनी के साथ पीसा हुआ है, चीनी के साथ पीसने से ही अच्छे से पीस जाती है। और इसमें 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसे हम अच्छे से पकाएंगे, हिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और साइड से भी जो लगता जाएगा उसको हम छुड़ाते जाएंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ये पहले से। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। इसके अंदर डाल दिया मैंने बादाम और पिस्ता। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, मगज भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है टोटली आप कितने ड्राई फ्रूट डालना इसमें पसंद करते हैं। मैंने थोड़े से डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा ड्राई फ्रूट वाली मिठाई नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट इसमें डाले हैं। और इसके अंदर हम डाल देंगे अब 2 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी और हमारी मिठाई में चमक भी आएगी। और ये देखिए पहले से कितना गाढ़ा हो गया है। मैं गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है मैंने, बीच बीच में मैं स्लो भी कर रही थी और मीडियम भी कर रही थी। ये देखिए ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है, कढ़ाई ये छोड़ने लग गया है, अब ये पक चुका है। ये देखिए एकदम अच्छे से हो चुका है, ये कढ़ाई इसने देखिए कितने अच्छे से छोड़ दी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम डालेंगे एक ट्रे में। ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है, आपके पास अगर क्या कहते हैं ये ना हो तो आप प्लेट में भी इसे डाल सकते हैं। मैंने बटर पेपर लगाया, अगर आप प्लेट में डालें तो इस पर या तो बटर पेपर लगाएं या फिर आप देसी घी लगाकर डालें, नहीं तो ये चिपक जाएगी नीचे से।
देसी घी लगाने से या बटर पेपर लगाने से आसानी से निकल जाती है। इसे देखिए मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो टीन है ना ये काफ़ी बड़ा है और इसलिए मैं इसे आधे में ही सेट कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती है, एकदम हलवाई के जैसे बनेगी, जैसे आप हलवाई से लेते हैं ना वैसी ही एकदम बनेगी ये, बहुत मज़ा आएगा खाने में। ऊपर से हम लगाएंगे, डालेंगे ड्राई फ्रूट, मैंने डाल दिया बादाम और पिस्ता। इसके ऊपर मैं थोड़े से रोज़ पेटल्स लगा दूंगी, उससे बहुत देखने में सुंदर लगेगी। आप चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, उससे एकदम बाजार जैसी लगेगी। अब हम एक ग्लास लेंगे और इस तरह से इसे सेट कर लेंगे ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट ऊपर से डाला है वो इसके साथ अच्छे से सेट हो जाए। एकदम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसे हमने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही बाहर ही, नहीं फ्रिज में नहीं रखा था इसे हमने। और अब हम इसे कटिंग करेंगे। देखिए अच्छे से जम गया है ये, इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट बनता है, आप अगर हलवाई से भी लेके आते होगे तो आप कलाकंद देखते होगे कितना सॉफ्ट होता है। एकदम वैसे ही बना है, बहुत टेस्टी बना है, बच्चों को मेरे बहुत पसंद आया, घर में सबको बहुत पसंद आता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, अपने भाई के लिए बनाना, बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि जो घर की मिठाई होती है वो तो घर की होती है क्योंकि वो शुद्ध होती है, मिलावटी नहीं होती है। बाज़ार में तो आजकल मिलावटी खोए का यूज़ करते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती जो हम घर में बना सकते हैं। और एक जो सुकून मिलता है अपने हाथ से बना के, उसका मज़ा ही अलग होता है, उसका टेस्ट दोगुना हो जाता है अपने हाथ की किसी भी चीज़ का बनाने का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें और मुझे कमेंट करते रहें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो